प्रथम जी, अश्वथ जिससे प्यार करने लगा है वो कोई साधारण लड़की नहीं है। क्या मतलब? वो पड़ी है। और दिखाइए ना। ये अच्छी है। अश्वथ, हाँ, तेरे भाई प्रथम को तेरे प्यार से प्यार हो गया है और आज तो वो अपने प्यार का इजहार भी करने जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, खुद ही जाके देख ले। मेरे दिल में प्रथम के बारे में ये कैसे ख्याल आ रहे हैं? नहीं, मैं एक राक्षस से प्यार नहीं कर सकती। सही कहा तुमने। इश्क जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक, लेकिन पता नहीं लोग इश्क क्यों करते हैं। क्या मतलब? जहां मतलब होता है वहां इश्क ही कहां होता है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे बात नहीं करनी? मुझसे? लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ, डर लग रहा है? अरे तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन और अश्वथ कौन है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। डरना तो जरूरी है राजपरी। क्या हुआ, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई राजपरी? और एक बात ध्यान रखना। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो। तुम राक्षस जब एक बार किसी को पकड़ लेते हैं ना, तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। तुमने आज तक हम राक्षसों की मोहब्बत देखी और आज तुम गुस्सा देखोगे। जब भी हम राक्षस किसी से प्यार करते हैं ना, तो अपना काबू खो देते हैं। जब उसका कोई दिल तोड़ता है ना, तो वो बेकाबू हो जाता है। फिर वो जो करना चाहता है उसे करने से कायनात की कोई शक्ति भी रोक नहीं सकती। कोई शक्ति नहीं। आज पूर्णमासी की रात है और आज की रात तुम परियों की परछाई नजर नहीं आती। नीचे देखो, देखो नीचे, पानी है, दिखाई दे रहा है? मुझे तुम्हारी कहीं परछाई नजर नहीं आ रही। क्यों? नहीं आएगी, परी हो ना। सीधा सही कहा तुमने, एक परी राक्षस से कभी प्यार कर ही नहीं सकती, कभी नहीं। पता है क्यों? तुम और हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। वो कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते, कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। तुम बताओ मुझे कि तुम मेरी भाई की जिंदगी में क्या कर रही हो, क्या मकसद है तुम्हारा? और जब तक तुम अपना मकसद नहीं बताओगी ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? मुझे पता है कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे खुद के भाई ने। मुझे बताओ कि सच क्या है। मेरा बालिका सदियों से तपस्या कर रहा है और उसने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि
कोई भी छल कपट, दूर निकट, कोई भी छाया, कोई भी माया उसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकती। लेकिन देव हो, परी हो या कोई इंसान, हर किसी की एक कमजोरी होती है और बालिका की कमजोरी है उसके बेटे। साम दाम दंड भेद, देहन सेहन, बेहम या भ्रम, जिस किसी की भी दीवार खड़ी करनी पड़े करो, जो अपनी मर्यादा पार करनी पड़े तो वो भी करो। क्या एक परी अपनी मर्यादा पार करेगी माँ? जब कोई सिपाही अपने दुश्मन को मारता है तो वो किसी को मारता नहीं बल्कि वो अपने देश को बचाता है। तुम्हें भी बचाना है। परीलोक और इस दुनिया का उद्धार तुम्हारे हाथों में। अगर तुम्हें किसी की जान लेनी पड़े तो लो, अगर तुम्हें जान देनी पड़े तो दो, और अगर किसी राक्षस को मोहित करके अपने प्रेम जाल में फंसाना पड़े तो फंसाओ। लेकिन एक बात याद रखना, 80 अस्त्र अगर उनके हाथ लग गया तो फिर तो सबका विनाश, सातों लोकों का सर्वनाश। बताओगी मुझे क्या हुआ है? तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती। झूठ, झूठ है ये। अश्वत ये इंसान नहीं परी है। झूठ, झूठ, मैंने ये लड़की बोला। मैंने अपनी आंखों से देखा था भाई जो आपने किया। जानते थे कि मैं उससे प्यार करता हूं, उसके बावजूद आपने उसके साथ। अश्वत ये एक परी है। इसकी प्यार में तू इतना अंधा हो चुका है कि अपने भाई पे यकीन नहीं कर रहा। मैंने देखा आपको इसका हाथ पकड़ते हुए, देखा था मैंने। ये एक परी है। उनकी एक गलती उनसे वो एक मौका छीन सकती थी जो किस्मत से उन्हें मिला था। तुम्हारी इस जंग ने मेरा तप भंग कर दिया। शर्म आती है मुझे। एक परी ने दोनों भाइयों के विश्वास और प्यार को तोड़ दिया। अरे मेरे बेटे मेरी सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन आज मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए तुम। और प्रथम तुमसे तो यह उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम मुझे इतना निराश करोगे।
बाबा का तब तो भंग हो गया, उन्हें असली अस्त्र भी नहीं मिला। अच्छा हुआ, अब हम राक्षस के राक्षस ही रहेंगे और कयामत से कयामत तक इंसानों को खाते रहेंगे। एक परी ने हम दोनों भाइयों को लड़ा दिया और हमसे ही हमारे बाबा का तप भंग करवा दिया। नहीं छोड़ूंगा इसका, तो मैं ऐसा बदला लूंगा कि परी लोग भी कांप उठेगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैं धरती पर गई तो थी उस राक्षस बालिका का तप भंग करने, पर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने दो भाइयों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा करवा दिया, एक भाई का दिल तोड़ दिया। मुझे भी प्यार हो गया। तुम धरती पे गई थी अपना कर्तव्य निभाने, अपना परीलोक बचाने। एक फरिश्ता होने के नाते ये समझ सकता हूँ, पर वो सब बीत चुका है। अब तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे लिए भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य बनते हैं ना, उन्हें भी निभाओ। क्योंकि आज की रात फिर कभी नहीं आएगी और इतनी मोहब्बत शायद मैं फिर कभी ना कर पाऊं। क्या लगा, सपना देख रही हो? हाँ, हकीकत। और हकीकत यह है कि मैं प्रथम ही हूं और भेष बदल के पहले तुमसे शादी और सुहागरात। ये तो अनहोनी हो गई, पर होनी को कौन डाल सकता है। रात को शगुन भी मिल गया, हमारी शादी भी हो गई और सुहागरात भी। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुम्हारी आंखों से भी कई ज्यादा खूबसूरत थी वो रात। वाह वाह, आप उठे, आप यहाँ आए तो देवलेखा के साथ वहां कौन है? नफरत करती हूं मैं तुमसे, छोड़ूंगी नहीं। वैसे कहते हैं कि अगर किसी खूबसूरत लड़की से बदला लेना हो ना तो उसके जिस्म को सजदा करो, उसको सबसे पहले एक शीशे में उतारो, उसके बाद एक शीशे की तरह उसका दिल तोड़ दो, वैसे चकनाचूर कर दो। ऐसे ही किया था ना मैंने। सच कहते हैं सब, तुम राक्षस जहन्नुम की आग में जलने के ही लायक हो।
मैंने सुना है कि तुम परियों के आंसू जब धरती पे गिरते हैं तो मोती बन जाते हैं, हाँ? और मुझे लग रहा है आज तो मोतियों की बारिश होने वाली है, नहीं? क्या लगा तुम्हें? तुम मेरे भाई को धोखा देके चली जाओगी और मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे बाबा का बरसों का तब तुमने भंग कर दिया। मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसी। अरे हम राक्षस से राक्षस, ना मैं अपने भाई अश्वत जैसा हूँ जो प्यार में धोखा खा के मजनू बन जाए, ना ही मैं अपने बाबा जैसा हूँ जो इंसान को माफ करता जाए। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं प्रथम हूँ, प्रथम। प्यार करूं तो टूट के और बदला लूं तो दुश्मन को तोड़ के। अरे मेरे बाबा जो कर रहे थे वो हमारे राक्षसों की मदद के लिए कर रहे थे, लेकिन तुम परियों को हमारी खुशियां देख ही नहीं जाती ना, हमेशा हमारा हक छीनने आ जाती हो, लेकिन अब नहीं। मैंने जो किया वो गलत था, पर तुमने जो किया वो पाप है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया और तुमने मुझे धोखे से पाया। सही कहा तुम, हाँ परी हूँ मैं, आग की नदी हूँ, किनारे ही चल नहीं तो जल जाओगे। एक लड़की को धोखे से हासिल करके तुम्हें जीत महसूस हुई और खुद को ताकतवर कहते हो, छी, शर्म करो। अब मेरी हस्ती, मेरा रोम रोम, मेरे लहू का हर एक कतरा तुम्हें श्राप देता है कि जिसके गुरूर को तुमने मारा तुम उसी के हाथों मारोगे। एक औरत की बद्दुआ के सामने तारे सितारे ग्रह नक्षत्र सब बदल जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, तो फिर तुम क्या ही कर लोगे? तुमने मेरे आत्मसम्मान को चीरा, अब मैं तुम्हें चीर के रख दूंगी। ये मुझे छूने के लिए ये मेरे आत्मसम्मान की हत्या करने के लिए। मैं जानती हूं तुम नहीं मरोगे क्योंकि राक्षस कभी नहीं मरते, इसीलिए मैं तुम्हें धरती के नीचे दफन कर दूंगी। ये मेरा श्राप है इस धरती पर, जहां तुम्हारा खून गिरेगा तुम वहीं दफन हो जाओगे और वहां से तब तक बाहर नहीं आ पाओगे जब तक सही वक्त ना आए, जब तक पूरा ब्रह्मांड न चाहे, जब तक तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे किसी अपने का शरीर ना मिल जाए, तब तक तुम्हारी आत्मा धरती के नीचे भटकती रहेगी। इस बार धरती पर मोती नहीं, तुम गिरोगे। दुनिया में सबसे ज्यादा शापित होता है प्यार, एक राक्षस और एक परी का प्यार। कुछ लोगों ने इस प्यार को नफरत से देखा तो कुछ ने इसे चाहत से। उन लोगों को अगर कोई जज्बा जोड़ सकता था तो वो था प्यार, और वो भी नफरत में बदल गया था।